नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे नीट एग्जाम को लेकर मचे बवाल को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से देश के अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही थी कि नीट एग्जाम में धांधली हुई है, इसको रद्द किया जाए। कांग्रेस की तरफ से भी कल यानी कि शुक्रवार को प्रदर्शन दिल्ली में किया गया। इसके साथ ही ये देशव्यापी प्रदर्शन था कांग्रेस का, लेकिन अब इस पर एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। देर रात केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर फैसला लिया है कि अगर नीट एग्जाम को लेकर किसी भी तरीके की या पेपर लीक होने को लेकर किसी भी तरीके की धांधली होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और 10 साल की जेल का प्रावधान इस पर है। नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं के विवाद के बीच देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने आधी रात इसको लेकर अधिसूचना जारी की। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की जेल की सजा मिलेगी। इसके साथ ही 10 लाख रुपए तक के जुर्माने की भी के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी में किसी सरकारी अधिकारी के शामिल पाए जाने पर उसे कम से कम 3 साल की सजा मिलेगी। ये 10 साल तक बढ़ सकती है। इसके अलावा 1 करोड़ का जुर्माना भी लग सकता है। एंटी पेपर लीक कानून के तहत अगर किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा। यानी उस सेंटर को अगले 4 साल तक के लिए कोई भी सरकारी एग्जाम कराने का अधिकार नहीं होगा। जिस तरीके से नीट एग्जाम में धांधली और उसके बाद यूजीसी नेट एग्जाम को रद्द कर दिया गया और देश में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला और राजनीति इस पर जमकर की जाने लगी, इसको लेकर केंद्र सरकार ने तुरंत ये बड़ा फैसला लिया। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां एक ओर राव एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का फैसला किया तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि राव एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया है जमानत को लेकर, उसको स्टडी करने के लिए उन्हें टाइम चाहिए। 24 तारीख और 25 तारीख के बाद ही अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर 24 घंटे के अंदर ही रोक लग गई। हाईकोर्ट की वैकेशन बेंच ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम दलीलों पर विचार कर रहे हैं, 24 या 25 जून को हम फैसला सुनाएंगे, तब तक राव एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। आपको बता दें कि 20 जून को राव एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख के बेल बॉन्ड पर केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जज न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है। लोअर कोर्ट के फैसले के विरोध में ईडी ने 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है, हमें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला। बढ़ते आगे, बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईआरएस जगत मोहन रेड्डी इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। सुर्खियों में इसलिए बने हैं कि उनका जो शीश महल बनकर तैयार हुआ है वो करीबन 500 करोड़ का बताया जा रहा है। तमाम आलीशान सुविधाएं इस महल के अंदर हैं और इसके बाद से ही जगन मोहन रेड्डी की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक पहाड़ की तलहटी को काट कर जिस तरीके से ये शीश महल बनकर तैयार हुआ है, इसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और ये पूरा जो मामला है वो जांच का विषय है। आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही पूर्व मुख्यमंत्री वाईआरएस जगनमोहन रेड्डी अपने आलीशान महल को लेकर चर्चा में आ गए हैं। ये छोटा मोटा नहीं, तकरीबन 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में इसे जगन पैलेस या कह सकते हैं, क्योंकि जगन महल का नाम दिया जा रहा है जिसकी तस्वीरें देखकर कोई भी चौंक जाएगा। वाईआरएस जगनमोहन रेड्डी का ये जगन पैलेस विशाखापट्टनम में समुद्र तट से लगे रोशिकोंडा हिल पर बनाया गया है। इसमें एक थिएटर हॉल है, 12 लग्जरी बेडरूम है, 15 लाख रुपए के 200 झूमर भी लगाए गए हैं, 33 करोड़ रुपए तो बस सिर्फ घर के इंटीरियर पर खर्च किया गया है। लाखों रुपए के स्पा सेंटर और लाखों रुपए के मसाज टेबल इस जगन पैलेस में मौजूद हैं। इसमें 40 लाख की लागत से तो सिर्फ बाथरूम बनाए गए हैं, तो आप इन सब चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आलीशान ये महल बनाया गया है जिसमें कि 500 करोड़ के आसपास का खर्चा आया है। अब इस पूरे मामले को लेकर गहनता से चर्चा की जा रही है, चारों तरफ ये चर्चा का विषय है और इसके साथ ही ये भी मांग उठाई जा रही है कि इस पूरे मामले पर तुरंत से तुरंत जांच की जाए। बढ़ते हैं आगे, देखिए देश में महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं दूध के दाम अचानक बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे कि आम लोगों की जेब पर भारीपन लोगों को महसूस होने लगा है। और इसी बीच खबर यह है कि अब सीएनजी के जो दाम हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली सहित जो एनसीआर का इलाका है, गुरुग्राम में भी सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं और आज से ही ये बढ़ी हुई नई दरें लागू की गई हैं।
राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों के लोगों को शनिवार को महंगाई का नया झटका लगा। शनिवार से कई शहरों में सीएनजी की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। इससे आम लोगों के पॉकेट के ऊपर दबाव बढ़ने वाला है। शनिवार सुबह 6 बजे से सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। सीएनजी की कीमतों में 1 रुपये प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी का असर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई शहरों में सीएनजी की खुदरा कीमतों पर होने वाला है। आपको बता दें कि ताजी बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी की खुदरा कीमतें आज से 75.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले दिल्ली में सीएनजी की बिक्री 74.09 रुपए प्रति किलो के भाव से हो रही थी। दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में भी सीएनजी की कीमतों में आज से 1-1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। इन तीनों शहरों में सीएनजी के दाम आज से 78.70 रुपए किलो की तुलना में बढ़कर 79.70 रुपए प्रति किलो हो गई है। बढ़ते आगे अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली एनसीआर में 21 तारीख की शाम को जिस तरीके से घटा छाई और यहाँ पर बारिश हुई, उससे मौसम में काफ़ी नमी आ गई है। कुछ हद तक गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के कई इलाकों में पानी का संकट अभी भी बना हुआ है। ओखला की अगर संजय कॉलोनी की बात करें तो यहाँ पर लोग टैंकरों के बाहर टैंकर के आते ही लाइनों में लगे हुए नज़र आते हैं और अपने बर्तनों के साथ पानी भरने का इंतज़ार, पानी मिलने का एक तरीके से वो इंतज़ार कर रहे हैं। दिल्ली में पानी की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार लोग पानी की तंगी से जूझ रहे हैं। इस कड़ी में आपको बता दें कि ओखला के संजय कॉलोनी में टैंकर से पानी भरने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। इस दौरान लोगों ने बताया कि यहां पर पानी की गंभीर समस्या है, लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। जब टैंकर आता है तो उस पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। किसी को पानी मिलता है, किसी को पानी नहीं मिलता और जो पानी मिलता है वो उनके लिए नाकाफ़ी साबित हो रहा है। बता दें कि दिल्ली के तुगलका बाद विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में झुग्गी कैंप हैं। इनमें रहने वाले लोगों को गर्मी के इस मौसम में पानी की गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है। हालांकि यहां दिल्ली जल बोर्ड की ओर से कैंपों में टैंकर से पानी सप्लाई की जा रही है, लेकिन वो पानी भी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये थी आज की वो खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।